हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ओमकार और आज के वीडियो में मैं आपको जो कार दिखाने वाला हूँ ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एज़ यू कैन सी, यहाँ पे पीछे हमारे साथ है महिंद्रा की वेरिटो, बट ये कोई नॉर्मल वेरिटो नहीं है, ये है एक ई वेरिटो, मतलब ये एक इलेक्ट्रिक कार है। और ये जो कार है ये सेल पर अवेलेबल है कारमोल नासिक के अंदर। ये एक अनरजिस्टर्ड प्रीओन्ड कार है। और अगर मैं इस गाड़ी की किलोमीटर ड्रिवन की बात करूँ तो ये गाड़ी बहुत ही लेस ड्रिवन है, 85 किलोमीटर समथिंग ड्रिवन है। मैंने अभी तक देखा नहीं है, बट ये गाड़ी जो ये 500 से कम चली है। एंड देन अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करूँ तो अगर आप इस गाड़ी को बाय करते हैं तो आप इस गाड़ी के फर्स्ट ओनर बनने वाले हैं। अनरजिस्टर्ड कार क्या रहता है वो मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ। जो कंपनीज की जो डेमो कार्स रहती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अनरजिस्टर्ड कार रहती है, तो ये कुछ उस तरह की गाड़ी है। सो अगर आपको ये गाड़ी बाय करनी हो तो आप इस गाड़ी के फर्स्ट ओनर बनने वाले हो, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है। और देन इस वीडियो के अंदर हम इस गाड़ी की जो ये कंप्लीट कंडीशन देखने वाले हैं। वैसे तो ये गाड़ी पूरी ही नई है, और उसके बाद हम बात करने वाले हैं इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में, प्राइस के बारे में, कि आपको ये गाड़ी कितने प्राइस में मिलने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी प्राइस ही बता देता हूँ, क्योंकि ये गाड़ी जो ये बहुत ही कम प्राइस में यहाँ पे सेल पे अवेलेबल है। इस गाड़ी की अगर आप ओरिजिनल प्राइस लेके चले तो इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो है अराउंड 12 लाख, बट ये गाड़ी जो यहाँ पे पड़ने वाली है आपको 7 लाख के अंदर विद रजिस्ट्रेशन। सो आपको 7 लाख के अंदर ये गाड़ी यहाँ पे विद रजिस्ट्रेशन पड़ने वाली है, और थोड़ा बहुत इसके अंदर नेगोशिएशन भी हो सकता है। तो अगर आपको एक इलेक्ट्रिक गाड़ी बाय करनी है तो आप कारमोल नासिक के अंदर आके विजिट कर सकते हैं, आप इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं, इस गाड़ी को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि ये गाड़ी कैसी है, एंड देन आप इसको बाय कर सकते हैं। मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। इसकी अगर मैं टॉप स्पीड की बात करूँ तो इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड है वो है अराउंड 80 km/h, मतलब 80 के स्पीड तक ये गाड़ी भागती है। और जो पिकअप है वो काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर हम बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 21 kW की इसके अंदर बैटरी है, एंड जो कर्व वेट है वो भी काफ़ी कम है, 1200 के अराउंड कुछ तो भी इसका कर्व वेट है। अगर मैं रेंज की बात करूँ, मतलब कितने चार्ज में कितनी भागती है, सो 180 किलोमीटर ये चलती है एक चार्ज, एक फुल चार्ज के बाद में ये गाड़ी जो ये 180 किलोमीटर चलती है। सो अगर आप सिटी ड्राइव करते हो तो ये आपके लिए बेस्ट होने वाली है, जहाँ पे आप 180 किलोमीटर के लिए 500-600 का पेट्रोल वेस्ट करते हैं, वहाँ पे आपको ये गाड़ी जो ये 50 रुपये के इलेक्ट्रिसिटी में पूरा नासिक घुमा देगी। सो ये बेस्ट चीज़ है इस गाड़ी के अंदर। और देन अभी डायरेक्टली हम चलते हैं इस गाड़ी की तरफ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो ये यहाँ पे आप ये गाड़ी देख लीजिए, वाइट कलर में है। एंड देन गाड़ी की जो लुक्स है वो आपको नॉर्मल वेरिटो की तरह ही देखने को मिलने वाली है, आपको कोई भी इसके अंदर कॉम्प्रोमाइजेस वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। बेसिकली इसका जो इंजन रहता है ना, उस जगह पे एक मोटर लगाई है, बड़ी सी मोटर है, काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी के मोटर है। यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि इस मोटर की कैपेसिटी कितनी है, मतलब कितने पावर की ये मोटर है। देन कंडीशन पूरी ही नई जैसी है, एज़ यू कैन सी इसको नंबर प्लेट भी नहीं है क्योंकि ये एक अनरजिस्टर्ड गाड़ी है। RTO में इसका कोई भी रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है, सो यहाँ पे सामने कोई भी नंबर प्लेट नहीं है। देन हेडलैम्प्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसके अंदर हेलोजन हेडलैम्प्स है, अलॉयज इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलने वाले क्योंकि एक बेस मॉडल है। और साइड लुक आप इसकी दूसरी साइड से भी देख सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा शेड है, सो यहाँ पे अभी अंधेरा आ रहा है और बारिश का भी थोड़ा सा मौसम हो चुका है, सो इसकी वजह से थोड़ा आपको यहाँ पे अंधेरा देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बूट ही दिखा देता हूँ। सो बूट हमें चाबी से ही खोलनी पड़ेगी, इस तरह से इसकी बूट खुलती है। एंड इसके अंदर आपको बहुत ही मतलब बड़ी स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका यहाँ पे टूल किट वगैरह है, और इसके नीचे कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, पीछे अगर मैं बैजिंग्स वगैरह दिखाऊँ तो यहाँ पे ई वेरिटो की बैजिंग है, C2 की बैजिंग है, नीचे इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है, और यहाँ पे महिंद्रा लिखा है, नीचे इसके EESL लिखा है। नीचे के साइड में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा है, एंड जो स्पेयर व्हील है इस गाड़ी का वो भी इसके नीचे है, जो इसका स्टेपनी है वो इस गाड़ी के नीचे है। सो ये साइड से भी आप इसकी कंडीशन देख लीजिए, पहले मैंने आपको ये साइड से दिखा दी है। सो अभी मैं आपको इसका बोनट दिखाता हूँ यहाँ पे, कि आपको मोटर किस तरह से मिलती है। सो गाड़ी यहाँ पे हमने खोल ली है, और यहाँ पे आपको इसके अंदर पावर विंडोज़ भी मिलता है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको चाबी लगानी है, सो यहाँ पे आपको एक लाइट देखने को मिलता है। एक बार हम इस गाड़ी को जो इसका बोनट है वो ओपन कर लेते हैं, सो यहाँ से ये बोनट ओपन होता है, और इसकी फ्यूल कैप भी हम ओपन कर लेते हैं, जिससे आपको मैं इसकी फ्यूल मतलब कहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी इसको सप्लाई करनी है वो आपको समझेगा। सो यहाँ से ये गाड़ी कुछ इस तरह से ओपन करनी है,
एंड देन आप यहाँ पे इसकी मोटर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको प्लस एमी की बैजिंग मिलेगी। ये किस लिए ये मुझे अभी तक पता नहीं, बट समझने के बाद मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर डाल दूंगा कि ये बैजिंग यहाँ पे क्यों की है। सो कुछ इस तरह की इसकी मोटर थी, काफ़ी बड़ी मोटर थी, काफ़ी मतलब पावरफुल होने वाली है। देन यहाँ से आपको इस गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी भरनी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आपको प्लग लगाने के लिए जगह मिलेगी, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आपको भरनी है। अगर मैं चार्जिंग टाइम के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताऊँ, तो अगर आप इसको फास्ट चार्जिंग करते हैं तो 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी, मतलब आप 2 घंटे के चार्ज के बाद ये गाड़ी 180 किलोमीटर चला सकते हैं। या अगर आपके पास फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है, सो आप इसको जो है वो 8-9 घंटे रात को चार्जिंग को लगा सकते हैं। मेरे फ्रेंड के पास भी एक इलेक्ट्रिक बाइक है, तो वो भी कुछ इसी तरह का काम करता है, रात को चार्जिंग को लगा देता है, तो ये ज़्यादा सिंपल पड़ता है। देन ये है गाड़ी का इंटीरियर। सो यहाँ पे मैं आपको इसको एक बार की लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से की लगानी है, और की लगाने के बाद यहाँ पे गाड़ी ऑन हो चुकी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो कुछ इस तरह का है। यहाँ पे आपको एक ड्राइव का बटन मिलता है, सो ये दबाने के बाद आपकी गाड़ी जो है ये स्टार्ट हो जाएगी। एक बार मैं आपको थोड़ी सी चला के भी दिखाऊँगा। इसकी जो आवाज़ है ना वो कुछ भी नहीं आती है, एक मतलब हवा जा रही है ऐसा लगता है। सो यहाँ पे इसका ग्लोव बॉक्स पे एक बार आप देख लीजिए, यहाँ पे भी थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस है। अगर आपको एक इंफोटेनमेंट कुछ लगा लेना है, यहाँ पे स्टीरियो लगाना है, तो यहाँ पे आप लगवा सकते हैं बाद में। देन यहाँ पे नीचे एसी के कंट्रोल्स है, ये है इसका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, यहाँ पे आप इसका गियर नॉब भी देख सकते हैं, कुछ इस तरह का है। देन अगर मैं कंडीशन दिखाऊँ तो यहाँ पे आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, सीट्स वगैरह आप देख सकते हैं, ये जो सीट्स है पूरी ही फैब्रिक में है। और इस गाड़ी के अंदर की जो प्लास्टिक है ना वो भी अभी तक नहीं निकली है, सो आप कंडीशन के बारे में सोच सकते हैं। मैं आपको एक बार वो साइड से इसकी कंडीशन दिखाता हूँ, क्योंकि वहाँ से लाइट ज़्यादा आ रही है, सो वहाँ से हम देखते हैं, वहाँ से आपको कंडीशन ठीक से समझेगी। सो ये यहाँ पे आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, जो प्लास्टिक्स वगैरह है इस गाड़ी के अंदर वो भी अभी तक नहीं निकली है, क्योंकि जो डेमो कार्स रहती है उनके अंदर की जो प्लास्टिक्स रहती है वो मेंटेन रखते हैं। सो गाड़ी की आप यहाँ पे पूरी लुक देख सकते हैं, और ये है इस गाड़ी की पूरी ही लुक। और अभी हम डायरेक्टली बात करते हैं इस गाड़ी के डिटेल्स के बारे में। वैसे तो मैंने आपको सारी की सारी डिटेल्स ऑलरेडी बता दी है, सो डायरेक्टली अभी हम बात करते हैं इस गाड़ी के डिटेल्स के बारे में। जो सारे के सारे स्पेसिफिकेशंस है ना इस गाड़ी के, वो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, सो आप वो कंप्लीट देख सकते हैं, उससे आपको ठीक से समझेगा कि ये गाड़ी कितनी पावर देती है, इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, इसके अंदर की मोटर कैसी है, देन ये कितनी चलती है। ये सारे स्पेसिफिकेशन जो ये आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर क्लियर हो जाएंगे, सो ये आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर पढ़ सकते हैं। देन अगर मैं इस गाड़ी की प्राइस के बारे में बात करूँ, तो मैंने आपको सबसे पहले इस गाड़ी की प्राइस बता दी है। ये गाड़ी जो है ये सिर्फ और सिर्फ 85 किलोमीटर चली है, और इस गाड़ी की जो प्राइस है वो कोट की है 7 लाख रुपीज़। इस गाड़ी की जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 12 लाख रुपये, सो आपको 5 लाख रुपये के डिफरेंस में ये 2019 की वेरिटो मिलने वाली है, ई वेरिटो मिलने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट एक इलेक्ट्रिक गाड़ी मिलने वाली है। अभी के ज़माने में इलेक्ट्रिक कार्स बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है, क्योंकि जो पेट्रोल की कॉस्ट है वो अभी मैंने नोट की 104 रुपये पेट्रोल की कॉस्ट हो चुकी है। सो जहाँ पे आप ये गाड़ी 180 किलोमीटर अगर आप जा रहे हैं कहीं पे, जहाँ पे आप 500-600 रुपये का पेट्रोल यहाँ पे इस गाड़ी के ऊपर खर्चा करने वाले हैं, वहाँ पे आपको 50 रुपये के या 100 रुपये के इलेक्ट्रिसिटी में पूरा मतलब 180 किलोमीटर का आपका राउंड हो जाएगा, तो ये कितनी अच्छी बचत हो जाएगी आपकी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो मतलब पोल्यूशन है वो भी कंट्रोल में आ जाएगा अगर आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी यूज़ करते हैं। सो अगर आपको ये गाड़ी पसंद आती है तो आप कारमो नासिक के अंदर आके ज़रूर विजिट करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वाली ऐसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो अभी हम ये गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, एज़ यू कैन सी इसकी जो आवाज़ है वो कुछ भी नहीं आ रही है। लिटरली मुझे ऐसा फील भी नहीं हो रहा है कि मैं एक कार चला रहा हूँ, बहुत ही मतलब अमेजिंग फील है। तो जो गाड़ी का फील है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है गाइस, बहुत ही मतलब स्मूथली रन होती है, और जो गाड़ी की टॉप स्पीड है वो भी काफ़ी मतलब तगड़ी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी जो ये अराउंड